जयपुर से खबर। पेट्रोल के भाव 90 रुपए प्रति लीटर के करीब। आज पेट्रोल के दामों में प्रति लीटर 11 पैसे का इजाफा हुआ है। 89 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर अब पेट्रोल पहुंच गया है। पेट्रोल के दामों में लगातार तेजी आ रही है। डीजल फिलहाल प्रति लीटर 82 रुपए 62 पैसे पर थमा हुआ है। पेट्रोल और डीजल के भाव नए कीर्तिमान छू रहे हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है और उपभोक्ता के पॉकेट पर सीधा असर पड़ रहा है। आज राजधानी जयपुर में 89 रुपए 26 पैसे पेट्रोल के प्रति लीटर के दाम है। हालांकि डीजल यथास्थिति पर थमा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, करीब 90 रुपए लीटर भाव हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ उपभोक्ता हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, लगातार पेट्रोल के भावों में बढ़ोतरी हो रही है, किस प्रकार से राहत मिलनी चाहिए? सर, ये कम हो जाए और कुछ ही नहीं है। गरीब आदमी है, 4000 मिलते हैं और कुछ ही नहीं है। 4000 में क्या करे, पेट्रोल डलाए, काम करे, घर का खर्चा चलाए। सरकार से मांग किस प्रकार से? हमारा तो यही है, कम करो इनको, और कुछ ही नहीं है। सबसे बड़ा तो यही है हमारे तो लोग, कम करो इनको। आम आदमी की यही मांग है कि पेट्रोल का वेट घटाया जाए, जनता को थोड़ी राहत दी जाए, क्योंकि कोरोना का काल है, रोजगार पर संकट है, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी चौपट हुई है, आदमी की इनकम कम हुई और ऐसी स्थिति में पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, खासतौर पर पेट्रोल के, जिससे आम उपभोक्ता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ, तो इससे जनता का नुकसान है ना, जो बिल्कुल मिलनी चाहिए। और पेट्रोल में लगातार कम से कम 10 रुपए की राहत मिलनी चाहिए इसमें। उपभोक्ता चाहता है कि 10 रुपए की कम से कम राहत दी जाए, क्योंकि कोरोना का काल है, लगातार महंगाई बढ़ रही है और आदमी की जो इनकम है वो घट रही है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आदमी को राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जो दैनिक उपयोग की जो दूसरी वस्तुएं हैं उनके भी दामों में बढ़ोतरी होती है, महंगाई बढ़ती है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है उसके जरिए दूसरी दैनिक उपयोग की वस्तुओं की भी यहाँ पर रेटें बढ़ जाती है, जिसके चलते आम जन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। कुछ और उपभोक्ता उनसे बात करेंगे। भैया, पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, करीब 90 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है, क्या हो गया जो तो हो गया, कम होना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पर और है, लोगों से भी बात करेंगे। भैया, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? कोई परेशानी नहीं है, बढ़ेगा ये तो, अभी ये तो क्या, जनता का जो खर्चे हो रहे हैं ना, जो कितना गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है उसको कौन देगा? हम ही तो देंगे। ये राज्य सरकार की गलती है, इन्होंने टैक्स बढ़ाया है, वसुंधरा ने टैक्स बढ़ाया, गलती की है उसको भुगतना पड़ेगा। राज्य केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही, ये गलत फहमी में पाल रहे हैं लोग। केंद्र सरकार पड़ रहा है उपभोक्ता पर, मतलब देखो, हम आम आदमी को ही देना है, सरकार कोई नहीं देगी। आज करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च किया है होटलों में, कौन देगा? वो आम आदमी देगा, हम देंगे, टैक्स पेयर दे रहा है, टैक्स दे रहे हैं हम भी। बाकी आक्रोश है, अब कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से लगातार पेट्रोल और डीजल के भावों में इजाफा हो रहा है, कहीं ना कहीं अब उपभोक्ताओं में इस बात का आक्रोश है कि राहत दी जाए, इनकम लोगों की कम है, कोरोना काल के चलते रोजगार पे संकट आ गए, नौकरियां चली गई। ऐसी स्थिति में जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आक्रोश है, और अब सब लोगों की यही मांग है कि अब जिस प्रकार से लगातार इजाफा इनके भावों में हो रहा है, उन पर रोक लगनी चाहिए, राहत मिलनी चाहिए। फिलहाल लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जयपुर में 89 रुपए और 26 पैसे प्रति लीटर का भाव हो चुका है, करीब 90 रुपए यानी 90 रुपए लीटर पेट्रोल हो चुका है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं का बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ पिंटू सिंह नरुका, एवन टीवी, जयपुर।